18 अप्रैल की दोपहर में ये भारतीय संसद का भवन आप देख रहे हैं और इसके ठीक बगल में है नॉर्थ ब्लॉक और उसके ठीक सामने साउथ ब्लॉक, जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री बैठते हैं, सत्ता प्रतिष्ठान। तो आज चल रहे हैं दिल्ली की सैर करने के लिए। आप जानते हैं लॉकडाउन 2 पीरियड शुरू हो चुका है और इसमें भी वो तमाम पाबंदियां लगी हुई हैं जो लॉकडाउन 1 में लागू थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको दिल्ली की सैर कराई जाए, तो निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए। और वहाँ की सड़कों की क्या स्थिति है, व्हीकल्स हैं नहीं हैं, लॉकडाउन का ठीक से पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, और जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो पुलिस नाके हैं, वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये दिल्ली बहादुरगढ़ मेट्रो लाइन है, यहाँ आप देख सकते हैं इक्का दुक्का वाहन चल रहे हैं, जबकि पहले इस सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक रहता था। तो लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। और सामने एक पुलिस नाका दिखाई दे रहा है, जहां चेकिंग इस समय चल रही है व्हीकल्स की। जाहिर है हर एक से पूछा जा रहा है कि वो किस लिए हैं और क्या उनके पास प्रॉपर परमिशन है लॉकडाउन में चलने की। ये इमरजेंसी राहत सेवा सप्लाई, ये दिल्ली का आउटर इलाका है। जैसा मैंने आपको कहा था कि दिल्ली बहादुरगढ़ मेट्रो लाइन है, ये दिल्ली बॉर्डर है और दिल्ली बॉर्डर पर ये मेट्रो पिलर संख्या 741, यहाँ पर राशन और भोजन का बंटवारा बढ़ रहा है और यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ हमें देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर मुझे लगता है कि ख्याल नहीं रखा जा रहा है उस तरीके से। हालांकि जो लोग लाइन में लगे हैं वो थोड़ी सी दूरी बना करके चल रहे हैं। कहाँ से हैं? बॉर्डर से। अच्छा, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी जी। तो यहाँ दोनों टाइम मिलता है खाना या एक टाइम मिलता है? दोनों टाइम मिलता है। कोई और दिक्कत? दिक्कत क्या है, कल शाम को थोड़ा थोड़ा खाना मिला था, कम मिला था। कितने लोग नाराज हो रहे थे कि इतने से क्या हो रहा है। परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरा 2 बच्चे हैं परिवार में। ओके, ठीक। का नाम क्या है? श्याम सुंदर गिरी। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं सर कॉलोनी का रहने वाला हूँ, बाबा हरदास नगर में रहता हूँ। मैं कन्या सूर्योदय कन्या विद्यालय में SNC का मेम्बर हूँ और पूरी सहयोग करता हूँ सर इन लोगों के लिए। और बहुत पब्लिक है सर यहाँ पे, काफ़ी गरीब लोग, वर्ग के लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस में इंडस्ट्रियल एरिया साथ में लगती है
जिसके कारण यहाँ कई हजार लोग हैं इस कॉलोनी में, इस कॉलोनी में यहाँ तीन कॉलोनियाँ लगती हैं सर। कितने करीब करीब लोग आते होंगे एक टाइम? एक टाइम कम से कम सर 2 से 2500 से आदमी ऊपर ही आते हैं सर, कम नहीं आते। इसमें डेली 1000 बंदों को तो इस साइड से, 1000 बंदों को उस साइड से, दोनों स्कूल में बैठे उधर गर्ल है सर, इधर बॉय है, दोनों स्कूल हैं, दोनों में खाने बट रहे हैं। ओके। हाँ, और खाना भरपूर मिलता है, लेकिन जो बाद पीछे आते हैं वो रह जाते हैं। तो ये जो खाना है ये किसकी तरफ से है? ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। और ये इस जगह का नाम क्या है, विद्यालय? टिकरी कॉलेज है, ये राजकीय वरिष्ठ बाल विद्यालय टिकरी कला। ओके ओके। ये दिल्ली का बाहरी इलाका मुंडका, यहाँ का मेट्रो स्टेशन, यहाँ लगातार भीड़ बनी रहती है और कई बार तो जाम की स्थितियाँ भी बनती हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि एकदम स्मूथली जो भी वाहन आ जा रहे हैं, कोई बाधा नहीं है, कोई जाम नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। और ये दिल्ली के व्यस्ततम क्रॉसिंग्स में से एक है पीरागढ़ी। यहाँ भी आम दिनों में, हालांकि रेड लाइट है, पर 3-4 बार ट्रैफिक खुलता है तब जा कर के यहाँ से लोग व्हीकल पास हो पाते हैं, लेकिन चूंकि लॉकडाउन का पीरियड है इसलिए अब इजीली व्हीकल्स पास हो रहे हैं। और ये पश्चिम विहार, आपको पता ही है कि माल ढुलाई का काम ट्रेनें अभी भी कर रही हैं, हालांकि यात्री ट्रेनें, शताब्दी, राजधानी, दुरंतो सब बंद हैं, लेकिन ट्रेनों के जरिए माल की ढुलाई अभी भी चल रही है। ये करोल बाग का इलाका है और यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा है लॉकडाउन के बीच। यहाँ एक ट्रैफिक पुलिस की छोटी सी चौकी है और इसके ठीक पास कबूतरों के लिए दाना पानी की व्यवस्था। दाना तो कबूतरों के लिए डाला गया है, लेकिन ये गौ माता भी उसी में से अपनी उदर पूर्ति कर रही हैं। आमतौर पर इन सड़कों पर दिल्ली में बम्पर टू बम्पर व्हीकल्स चलते हैं, लेकिन खाली है, इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे हैं।
हम लोग कनॉट प्लेस की तरफ चल रहे हैं। वो कनॉट प्लेस जो पूरी तरीके से गुलजार रहता है हर समय, देखते हैं उसके क्या हाल हैं। ये पचकुइयां रोड है और यहाँ अंबेडकर भवन के बिल्कुल पास फिर ये कबूतरों का एक ठिकाना है। कबूतरों के लिए जो दाना और पानी रखा जाता है उसमें कौवे भी मौज ले रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के बीच इन सब की दावत बदस्तूर जारी है। ये पचकुइयां इलाके का एक हिस्सा है। ये मेट्रो लाइन है जो कनॉट प्लेस से, राजीव चौक से द्वारका के लिए जाती है, एयरपोर्ट के लिए जाती है। और यहाँ इस तरह की चीलें आम तौर पर उड़ती हुई देखी नहीं जाती हैं। ऐसी क्या वजह है कि इतनी चीलें एक साथ यहाँ देखने को मिल रही हैं? ये हमारे सामने कनॉट प्लेस है। हम कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में हैं इस समय। इनर सर्किल में भी जाएंगे और वहाँ का जायज़ा लेंगे कि बेहद व्यस्त रहने वाला कनॉट प्लेस अब इस लॉकडाउन में किस स्थिति में है। ये हम कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल से इनर सर्किल में जा रहे हैं। राजीव चौक का बोर्ड आप देख रहे होंगे, ये मेट्रो स्टेशन है और ये हम इनर सर्किल में आ गए हैं कनॉट प्लेस में। एकदम वाहन विहीन जन विहीन माहौल है, जबकि ये हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, हार्ट ऑफ दिल्ली कहा जाता है कनॉट प्लेस को। इतना ही हम लोग शूट कर पाएंगे क्योंकि बाकी का इनर सर्किल भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि आवाजाही बंद है, मार्केट बंद है, इसलिए कनॉट प्लेस भी बंद है। और यहाँ से हम जनपथ रोड होते हुए पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे ताकि आपको दिखा सकें कि पार्लियामेंट की, राजपथ की साउथ नॉर्थ ब्लॉक, जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहाँ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री बैठते हैं, विदेश मंत्री, तो वहाँ की क्या स्थिति है, एक नज़ारा वहाँ का भी देख लेते हैं। ये ली मेरिडियन होटल है और इस होटल की श्रृंखलाएँ आपको पूरी दुनिया में देखने को मिल जाएंगी। ये अशोक रोड जहाँ स्थित है उसके बिल्कुल पास है। ये अशोक रोड है, पहले भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस यहीं था, इसी सड़क पर था, जो अब शिफ्ट हो गया है। ये हम
भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट की तरफ चल रहे हैं। सामने जो एक गुंबद दिखाई दे रहा है वो पार्लियामेंट का ही है। बाईं तरफ पीआईबी का ऑफिस, शास्त्री भवन, कृषि भवन, ये सामने इस समय नॉर्थ और साउथ ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसको विजय चौक कहा जाता है। सामने जहां से राष्ट्रपति भवन के लिए भी सड़क जा रही है, ये भारतीय संसद, लेकिन लॉकडाउन की वजह से एकदम सूनी है, कोई गतिविधि नहीं है इस समय। और ये ठीक सामने नॉर्थ ब्लॉक और उसके दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक। और यहाँ जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बीच से ये रास्ता है, यही राष्ट्रपति भवन के लिए जाता है। इंडिया गेट के लिए जाने वाला जो राजपथ है, इसको बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है। सामने आपको इंडिया गेट दिखाई दे रहा होगा। ये दिल्ली का वीवीआईपी एरिया, जहाँ मंत्री और तमाम दूसरे दिग्गज नेता रहते हैं पार्टियों के। यहाँ की ग्रीनरी सबको मोह लेती है। और ये अकबर रोड, जिस पर आगे चल कर के कांग्रेस का मुख्यालय है, 24 अकबर रोड, और 24 अकबर रोड के बराबर में ही सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद का पीछे का दरवाजा भी खुलता है। यही सड़क इंडिया गेट के सर्किल पर जाकर के खुलती है। आप देख रहे हैं कि इस वीआईपी एरिया में भी पूरी तरीके से सन्नाटा है, सूनापन है। व्हीकल्स की आवाजाही ना के बराबर है। यहाँ मेरे ठीक बाईं ओर लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है, और ये सोनिया गांधी के आवास का पिछली तरफ का हिस्सा है। और यहाँ कांग्रेस मुख्यालय है, 24 अकबर रोड। तरफ उपराष्ट्रपति रहते हैं एम वेंकैया नायडू। और यहाँ अकबर रोड सामने जो जगह दिखाई दे रही है, ये अब आउटर सर्किल आ जाता है एटिया गेट का। यहाँ अकबर रोड समाप्त हो जाता है। यहाँ से मैं आपको इंडिया गेट
आपको थोड़ा सा और नज़दीक से दिखा पाऊंगा। दाईं तरफ अगर आप देखें तो यहाँ इंडिया गेट है। आउटर सर्किल पे ही सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये हैदराबाद हाउस है। तमाम जो विदेशी डिग्निटीज आती हैं यहीं प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकातें होती हैं और शिखर वार्ताएं होती हैं। आमतौर पर दिल्ली में ऐसे नज़ारे नहीं होते हैं कि एक मोटरसाइकिल पर तीन लोग बैठे हों, लेकिन लॉकडाउन है, कुछ भी हो सकता है। एक संदेश COVID-19 को लेकर। जगह जगह बैरिकेड किए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। यमुना ब्रिज से ठीक पहले फिर ये पुलिस की जांच पड़ताल, एक नाका। बाईं तरफ आप यमुना देख सकते हैं। और ये जांच पड़ताल पुलिस की, हमने उनको प्रेस कार्ड दिखाए हैं तो हमें जाने का इशारा उन्होंने कर दिया है। जहां ये ब्रिज खत्म होता है वहां फिर एक पुलिस नाका दिखाई दे रहा है मुझे। यहां भी व्हीकल आराम से अपनी बारी आने पर निकल रहे हैं। जाहिर है ये अलग अलग जिलों की पुलिस होगी दिल्ली की, वहाँ अलग जिला पुलिस की नाका होगा और यहाँ अलग। ये 14 लेन सड़क 2018 में खोली गई थी। यहाँ से खेलगांव, आनंद विहार, मेरठ, मुरादाबाद और वहाँ से आगे लखनऊ तक ये सड़क चली जाती है। समय था जब यह सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी, यानी 14 लेन नहीं थी, तो यहाँ अक्सर ट्रैफिक बहुत स्लो होता था और काफ़ी समय लग जाता था। लेकिन मोदी सरकार ने इस पूरे एरिया की सूरत ही बदल दी है। एक बहुत शानदार सड़क बनाई है और अब यहाँ बहुत ही स्मूथली ट्रैफिक चलता है। अभी तो लॉकडाउन पीरियड है पर सामान्य दिनों में भी यहाँ अब जाम नहीं लगते हैं। ये बाईं तरफ अक्षरधाम मंदिर दिखाई दे रहा है और सामने मेट्रो रूट और सड़क मार्ग जो नोएडा को जोड़ते हैं। तो ये मैंने आज प्रयास किया है कि आपको इस लॉकडाउन पीरियड में दिल्ली के दर्शन कराऊं,
सभी जगह जाना तो संभव नहीं था। अभी भी लाल किला रह गया है, कुतुब मीनार रह गई है, लोटस टेंपल रह गया है, कई ऐसे क्षेत्र हैं, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में जितना दिखा सकते थे उतना मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय बताएं कैसा लगा। वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों में, मित्रों में। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े। नमस्कार।